ये क्वेश्चन पूछा गया है, कंपाइलर डिज़ाइन का ये क्वेश्चन है, सेट एग्ज़ाम में अगस्त 2015 में पेपर टू में। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज़ ट्रू? चार ऑप्शन दिए गए हैं यहाँ पर, और हमको इसमें से जो करेक्ट है वो फाइंड करना है, कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है उसे हमें फाइंड करना है। ऑप्शन ए दिया गया है, SLR इज़ मोर पावरफुल दैन LALR, LALR इज़ मोर पावरफुल दैन कैनोनिकल LR, कैनोनिकल LR इज़ मोर पावरफुल दैन NALR, द SLR कैनोनिकल CR एंड LALR हैव सेम पावर। ये सारे जो दिए गए हैं यहाँ पर, दीज आर दी पार्सर, और पार्सर दो तरह के होते हैं, एक होता है टॉप डाउन पार्सर और दूसरा होता है बॉटम अप पार्सर। तो यहाँ पर जो पार्सर दिए गए हैं वो सारे बॉटम अप पार्सर हैं, और बॉटम अप पार्सर में जो LR पार्सर होता है वो सबसे कम पावरफुल पार्सर होता है, जिसको हम बोल सकते हैं लीस्ट पावरफुल। इससे जो ज़्यादा पावरफुल पार्सर होता है उसको हम कहते हैं SLR, SLR मतलब सिंपल LR, जो कि LR से ज़्यादा पावरफुल होता है पार्सर। और SLR से पावरफुल जो पार्सर होता है वो होता है LALR, और फाइनली LALR से जो पावरफुल पार्सर है, मोस्ट पावरफुल पार्सर, दैट इज CLR कैनोनिकल LR। तो यहाँ पर जो ऑप्शन दिया गया है, दैट इज़ कैनोनिकल LR इज़ मोर पावरफुल दैन LALR। बाकी ऑप्शन आप देखो, SLR इज़ मोर पावरफुल दैन LALR, ये रॉन्ग है। SLR इज़ मोर पावरफुल दैन LALR, बिकॉज LALR इज़ मोर पावरफुल दैन SLR। तो यहाँ जो ऑप्शन सी दिया गया है, कैनोनिकल LR इज़ मोर पावरफुल दैन NALR, CLR is the most powerful parser, so option C is correct.